ब्राजील में चीन और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे अधिक प्रभावशाली देशों में से ब्राजील एक है। ब्राजील में अब तक कोरोना से 84.88 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, 74.11 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 2.9 लाख लोगों की जानें भी गई हैं। वहीं अप्रूवल मिलते ही ब्राजील में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसके पास फिलहाल सिनोवैक के 60 लाख डोज हैं और जल्द ही उसे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई गई वैक्सीन के 20 लाख डोज मिल जाएंगे। यहां पर अब वैक्सीन की मंजूरी के बाद कुछ राहत जरूरी होगी तो कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। बता दें कि यहां की हेल्थ रेगुलेटरी ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड और चीनी कंपनी सिनोवैक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी परमिशन दी है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 4,07,202 लोग महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,44,80,000 से ज्यादा है। 1,44,28,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 96 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। फेडरल यूनिवर्सिटी के एपिडेमियोलॉजिस्ट इथेल मैशियल के मुताबिक ब्राजील के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन 60 लाख डोज पर्याप्त नहीं है। हम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होने का इंतजार नहीं कर सकते। अब तक ये भी तय नहीं है कि सरकार को वैक्सीन के और डोज कब तक मिलेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को हेल्थ रेगुलेटरी अविनशा ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया था। ब्राजीली फार्मास्यूटिकल कंपनी यूनियाओ किमिका ने इसकी इजाजत मांगी थी। रेगुलेटरी ने कहा था कि स्पुतनिक वी की तरफ से जरूरी दस्तावेजों को पेश नहीं किया गया। साथ ही इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई कि स्पुतनिक के तीसरे ट्रायल की मंजूरी मिली या नहीं। गौरतलब है कि यूनियाओ किमिका ने जनवरी की शुरुआत में ही स्पुतनिक का प्रोडक्शन शुरू किया था। यहां यह भी बता दें कि महामारी के दुनिया में अब तक 9,54,64,804 केस हो गए हैं, 20,39,083 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत भरी बात यह है कि 6,81,55,479 लोग ठीक हो चुके हैं। बताते चले कि ब्राजील की हेल्थ रेगुलेटरी का अप्रूवल मिलने के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को सिनोवैक की कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कोरोना से सबसे प्रभावित देशों में से एक ब्राजील ने दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत दी है। यहाँ की हेल्थ रेगुलेटरी ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड और चीनी कंपनी सिनोवैक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। ब्राजील में चीन और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिलने के बाद यहां पर कोरोना के केस जरूर घट सकते हैं। यहां ये भी बता दें कि कोरोना से सबसे अधिक प्रभावशाली देशों में से ब्राजील एक है। ब्राजील में अब तक कोरोना से 84.88 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, 74.11 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 2.9 लाख लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.